अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक वीडियो पेश करता हूँ और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिसमें मैं ये बताऊँगा कि हम लोग हमारी ज़िंदगी में एक्चुअली कर क्या रहे हैं और हमारे साथ होता क्या है और क्या होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए उससे निकलने के लिए। अब देखो, एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक स्टोरी बताता हूँ मैं कि यहाँ पर एक इसका मैंने हेडिंग दिया है रिमूव योर डर्ट। यानी एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक मंदिर था जहाँ पे एक मूर्ति रखी हुई थी और यू कैन से कि बुद्ध विहार था, गौतम बुद्ध की मूर्ति थी वहाँ पे। और वहाँ पे लोग जाया करते थे और वो मूर्ति जो बनी हुई थी वो सोने की मूर्ति थी जो यहाँ पे दिख रही है। अब वहाँ पे जो आदमी था जो उसकी देखभाल करता था, मंदिर का जो पंडित था, तो जो वहाँ का पंडित था उसने ये सोचा कि ये सोने की मूर्ति है तो इसे कोई भी चुरा के लेके जा सकता है, तो इसलिए उसको एक आइडिया सूझी और उसने कीचड़ उसके ऊपर लगाना शुरू कर दिया। और जैसे ही कीचड़ उसने लगाना शुरू कर दिया, जो अंदर सोने की मूर्ति थी वो ढक गई और वो अभी मिट्टी की मूर्ति दिखाई देने लगी। जैसे कि इस फोटो में भी दिखाई दिया है कि ये मूर्ति मिट्टी की है। अब हुआ यूँ कि कुछ दिनों के बाद, बहुत साल बीत गए और उसके बाद में लोग तो इसको मूर्ति इसकी समझते थे, मिट्टी की। और एक बच्चा था जो बच्चा बहुत शरारती था, तो वो गया और थोड़ी सी उस मूर्ति को कुड़ने लगा और जैसे ही कुड़ने लगा तो उसको अंदर से कुछ शाइनिंग दिखाई दिया और उसको सोने का जैसा कुछ तो दिखाई दिया, चमकता हुआ, चमकती हुई चीज़ अंदर से दिखाई दी। तो और क्यूरियोसिटी की वजह से और कुड़ने लगा और जैसे ही कुड़ने लगा उसको पता चला कि ये जो अंदर मूर्ति है एक्चुअली वो सोने की मूर्ति है। तो लोग भी बहुत सारे जमा हो गए और फिर देखने लगे कि ये मूर्ति अंदर एक्चुअली सोने की है और ऊपर से कीचड़ लगाया हुआ है। और जैसे ही लोगों को ये पता चला, फिर उन्होंने उसका जो ऊपर का जो मठ था, कीचड़ था, वो निकालने की शुरुआत की और फिर वो ओरिजिनल मूर्ति बन गई, ओरिजिनल सोने की मूर्ति बन गई। अब यहाँ पे लेसन ये है कि हमारे अंदर जो अल्लाह ताला ने हमको जो पैदा किया है वो एक पोटेंशियल दे के पैदा किया है। हम एक्चुअली, हमारे अंदर एक खान है, वो सोने की खान है और जिसके ऊपर आज गर्द बैठ चुकी है, यानी धूल बैठ चुकी है, ज़माने की गर्द बैठ चुकी है, डर की, शक की, जीलसी की, कंपेरेबिलिटी की, क्रिटिसिज्म की, ये सारी चीज़ों की गर्द हमारे ऊपर बैठ चुकी है और आज जो हम एक्चुअल ओरिजिनल हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं और इसलिए इन सारी चीज़ों ने हमको ढक दिया है। अब हमें करना क्या पड़ेगा, हमको इसको निकालना पड़ेगा, जो हमारे ऊपर गर्द बैठी हुई है उसको निकालना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम चाय पी रहे हैं या एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर अगर हम चाय गिर गई और उसके ऊपर फिर कचरा भी बढ़ जाता है, बहुत दिन तक उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो उसके ऊपर कचरा बढ़ता है, और अगर चाय गिर गई तो हम कितना टाइम लगाएंगे उसको साफ़ करने के लिए, और अगर कचरा बढ़ता है तो हमको जो वो टीपॉट रहता है और जो अपने हॉल में रहता है तो उसको भी हम साफ़ कर लेते हैं। मगर जो गर्द हमारे दिलों पर बैठता है, जो धूल हमारे दिलों पर बैठती है और जो धूल हमारे ऊपर बैठती है उसको कौन साफ़ करेगा, इसके ज़िम्मेदार कौन है, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। और इसके लिए जो आसान फार्मूला है, वो आसान तरीका है कि हर वक्त अपने आप को झांक के अपने अंदर देखना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए अपने ऊपर, यानी अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। जैसे कि बच्चे ने कुरेद कर देखा कि अंदर है क्या, उसी तरीके से हमको भी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, यानी अपने आप को झांक कर देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या वीकनेसेस हैं, हमारे अंदर कमज़ोरियाँ क्या हैं, और उन कमज़ोरियों को हमको स्ट्रेंथ में तब्दील करना चाहिए। इस तरीके से हमारे अंदर जो भी फ्लॉज हैं उसको पहले एक्सेप्ट करना चाहिए और जब हम उस फ्लॉज को रिकॉग्नाइज करेंगे और फिर वो जो गलतियाँ, जो खामियाँ हैं और जो कोताहियाँ हैं उनको हम रिकॉग्नाइज करने के बाद, पहचानने के बाद, अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद ये कबूल कर लेंगे कि हमारे अंदर ये खामियाँ हैं, फिर इसको कैसे दूर किया जा सकता है इसके बारे में सोचेंगे, तो फिर हमारी आहिस्ता आहिस्ता जो सेहत भी अच्छी हो जाएगी और फिर हमारा माइंड, हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारे अंदर का पीस, ये सब कुछ ठीक होने लगेगा। तो इसके लिए जैसा कि उसने बताया
जैसे कि उस बच्चे ने कूड़ेदान, तो पोटेंशियल इज हिडन इन यू, यानी हर एक इसमें पोटेंशियल तो है, मगर ज़रूरत इस बात की है कि उस पोटेंशियल को कुरेदा जाए। और फिर वैल्यू लाइज बेनिथ द सरफेस, जैसा कि हम लोगों को बाहर से देख के पहचान जाते हैं, जज कर लेते हैं एक्चुअली, तो वैसा किसी को जज नहीं करना चाहिए। हालांकि उसके अंदर बहुत पोटेंशियल रहता है और हर एक आदमी में पोटेंशियल रहता है, और किसी को हमसे कमतर नहीं समझना चाहिए। आज भले से वो उसके ऊपर कीचड़ है और गर्द बैठा हुआ है, मगर जैसे ही वो अपने अंदर झांकना शुरू कर देगा वो गर्द दूर हो जाएगा और वो बहुत आगे निकल जा सकता है। और क्यूरियोसिटी कैन लीड टू ग्रेट डिस्कवरीज, जो एक बच्चे ने किया कि वो क्यूरियस था जानने के लिए कि उसमें है क्या, वो देखने के लिए जैसे ही उसने कुरेदना शुरू कर दिया तो उसमें से सोने की मूर्ति बाहर निकल गई। इसी तरीके से अगर हम अपने दिल को टटोलना शुरू कर देंगे तो अंदर से जो निकलेगा वो बहुत ही मोती और डायमंड सारी चीज़ें हमारे अंदर से निकलेंगे। हज़रत अली फरमाते हैं कि तुम्हारे अंदर पूरी कायनात समाई हुई है और तुम कहाँ पे देख रहे हो, कहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो इस स्टोरी से बस इतना ही। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।